राज्य के विभिन्न कर्मचारी अधिकारी संघों की मांग पर वेतन विसंगति, एमएसपी तथा सेवा शर्तों में गड़बड़ी को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का फैसला, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षकों की वरीयता निर्धारण एमएसपी और अन्य संघों द्वारा इसकी बराबर मांग की जा रही थी कि इनमें बहुत त्रुटि है, वरीयता निर्धारण बहुत ऊपर नीचे हो रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है और उसको फटाफट उस कमेटी द्वारा इसका एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा, नियमावली बनाया जाएगा। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे 50 छात्र, पहले 25 जाते थे। अल्पसंख्यक को निःशुल्क कोचिंग की भी सरकार व्यवस्था कर रही है। मुंबई में झारखंड भवन बनेगा जो G+7 बनेगा। रिम्स में भी नए भवन का जीर्णोद्वार होगा। साथ ही सैफ जवान के करीब आश्रितों को अनुकंपा पर भी नौकरी मिलेगी। आंगनबाड़ी के आश्रितों को भी नौकरी मिलेगी। क्लास 9 से 12 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को स्कूल की डायरी सहित अनेक तरह के 81 प्रस्तावों को कैबिनेट में पारित किया गया। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है वेतन विसंगति और एमएससीपी, जो कि कई अखबारों में छाया रहा। तो हम लोग दो अखबार के बारे में देखेंगे। एक में तो पूरा डिटेल दिया हुआ है सिर्फ आपका एमएससीपी और वेतन विसंगति के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। कैबिनेट की बैठक में रिकॉर्ड 81 फैसले। मुंबई में भी बनेगा झारखंड भवन। उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने वाले की संख्या 50 होगी। ये मरांग गोम के पारदर्शी योजना के तहत है। अभी 25 बच्चे जाते हैं। अल्पसंख्यकों को निःशुल्क कोचिंग भी देगी। कर्मचारी अधिकारी संघ की मांग पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रिकॉर्ड 81 फैसले लिए। सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी कर दी है। इससे पहले 25 छात्रों को विदेश भेजा जाता था। विदेश मतलब ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटेन में के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसका 100% जो है फीस माफ होता है। टोटली फीस जो है ये सरकार बियर करती है। इसमें अनुसूचित जनजाति के 20, अनुसूचित जाति के 10, पहले इसका आधा आधा होते थे, 50 में बढ़ गए, डबल हो गए। अल्पसंख्यक पहले 3 होते, 6 हो गए, पिछड़ा वर्ग 7 होते थे, 14, यानी 50, इसको फिर सरकार बढ़ाकर इसका डबल भी करने जा रही है। सरकार अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को UPSC, JPSC, बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग भी कराएगी। एक अन्य फैसले में नवी मुंबई में G+7 का झारखंड भवन बनाए जाने की भी मंजूरी दी गई। इसमें 3 फ्लोर राज्य के गरीब BPL परिवार और मजदूरों के लिए होगा। 3 फ्लोर मुंबई जाने पर वे यहाँ रह सकेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न कर्मचारी अधिकारी संघों की मांग पर वेतन विसंगति, MSCP व सेवा शर्तों से संबंधित गड़बड़ियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का फैसला किया गया। उच्च न्यायालय या जिला सत्र न्यायालय के रिटायर जज या सदस्य राजस्व पर्षद इसके अध्यक्ष होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा और राज्य शिक्षा सेवा के रिटायर एक एक अधिकारी कमेटी के सदस्य रहेंगे। रिम्स में नए भवन का निर्माण और जीर्णोद्धार। रिम्स में 738 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण होगा। पुराने भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही राज्य में मेडिकल कॉलेजों और रांची के सदर अस्पताल में MRI और CT स्कैन मशीन की खरीद के लिए 132 करोड़ की स्वीकृति दी गई। झारखंड के मेडिकल कॉलेज, जिला और अन्य अस्पतालों में मॉड्यूल के OT का निर्माण होगा, मॉड्यूलर OT। अब सैफ जवान के करीबी आश्रितों को भी नौकरी। राज्य सरकार आतंकवादी या उग्रवादी घटना में मृत सैफ के जवानों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभों को समान रूप से 1000 रुपये प्रतिमाह की राशि मिलेगी। 80 वर्ष की ऊपर से उम्र महिला को, यानी 80 वर्ष की उम्र से ज़्यादा के महिला को भी ये राशि मिलती रहेगी। क्लास 9 से 12 के छात्रों को मिलेगी स्कूल डायरी। ये सरकारी स्कूल में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को स्कूल डायरी मिलेगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्र के दायरे के बाहर की सेविका सहायिका के आश्रित को भी अनुकंपा पर नौकरी मिल सकेगी। 2551 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में बदला जाएगा। तो ये दोस्तों बिग अपडेट। अब चलिए और आगे देखते हैं। विभिन्न सेवाओं में वेतन और MSCP की विसंगतियों को दूर करने व सेवा में एक रूपता लाने की कवायद। वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए बनेगी समिति।
मंत्रिमंडल राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में वेतन और एमएससीपी की विसंगतियों को दूर करने और सेवा सत्रों में एकरूपता लाने के लिए समिति गठित करने का फैसला लिया है। समिति के अध्यक्ष उच्च शिक्षा उच्च जिला एवं सत्र न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा राजस्व परिषद के सदस्य होंगे, जबकि सेवानिवृत्त आईएएस राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा व राज्य शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 81 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडल ने बताया कि कैबिनेट ने मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। इसके तहत अब हर वर्ष 25 की जगह 50 मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाएगा। इसके लिए कोटिवार विद्यार्थियों की संख्या वृद्धि की गई है। अनुसूचित जनजाति के 20, अनुसूचित जाति के 10, अल्पसंख्यक वर्ग के 6, पिछड़ा वर्ग के 14 विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए भी निर्णय लिया है। इसके तहत UPSC, JPSC, JSSC समेत अन्य भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली में भी सुधार। कैबिनेट ने झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की सेवा नियमावली में भी सुधार किया है। इसके तहत मानदेय वृद्धि का लाभ मिलने पर सेविका सहायिका के बाद में दो वेतन वृद्धि की जाएगी, जो वेतन वृद्धि की जाएगी, साथ ही उसकी मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर यानी वर्ष में दो वेतन वृद्धि की जाएगी और उसकी मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर परिजनों की नियुक्ति के लिए भी पूर्व के प्रावधान को शिथिल किया गया है। 81 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उच्च शिक्षा के लिए 25 की जगह 50 मेधावी छात्र भेजा जाएगा। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग। मुंबई में बनेगा झारखंड भवन, निःशुल्क ठहरेंगे इलाज करवाने वाले। कैबिनेट ने मुंबई के वासी में झारखंड भवन निर्माण करने का फैसला किया है। झारखंड भवन निर्माण के लिए 136.95 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। प्रस्तावित भवन G+7 होगा। इसमें 2 से 3 फ्लोर मुंबई के से में इलाज कराने के लिए जाने वाले राज्य के गरीब परिवारों के आवासन के लिए आरक्षित होंगे। उनको झारखंड भवन में निःशुल्क रहने की सुविधा दी जाएगी। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक में सुधार के लिए केंद्र को लिखेगी सरकार। कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से प्राप्त परामर्श से केंद्र सरकार को अवगत कराने का निर्णय लिया। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखकर वक्फ संशोधन विधेयक में सुधार का आग्रह किया जाएगा। भारत सरकार ने इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिले सुझाव को वक्फ संशोधन विधेयक में सम्मिलित करने का आग्रह किया था। तो ये था दोस्तों बिग अपडेट आज का झारखंड सरकार कैबिनेट का। तो ये है, तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।